हेलो दोस्तों, तो क्या हाल चाल। उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे से ही होंगे। और दोस्तों बढ़िया रहना। हाँ, तो आप सभी को याद होगा पिछले एपिसोड में क्या हुआ था। इस एपिसोड का नाम होने वाला है गोकू इज़ गिन्यू, गिन्यू इज़ गोकू। तो पिछले एपिसोड में जो फ्रीजा है, फ्रीजा के ऊपर तीन नेमिक्स ने अटैक किया था, तो फ्रीजा ने उन्हें बहुत ही गंदे तरीके से मार दिया था। और फिर वो गुरुज के पास उड़कर आया था और कहा था उसने नेल को कि या तो तुम मुझे पासवर्ड बता दो, वरना मैं तुम्हारे इस दोस्त को, इस बुज़ुर्ग को, इस ओल्ड नेमिक को मार दूंगा। तो नील ये सुनकर घबरा गया था। और फिर नील कहता है कि अच्छा तो ठीक है, मैं तुम्हें बता दूंगा, पर तुम वादा करोगी तुम यहाँ गुरुज को कुछ नहीं कहोगी। तो फ्रीजा कहता है कि हाँ मैं इसे कुछ नहीं कहूँगा। तो वो ये सुनकर खुश हो जाता है, मतलब कि हल्का सा खुश तो नहीं होता, शांत हो जाता है और कहता है कि मेरे पीछे आओ। और अपने पीछे नील उसे फ्रीजा को लेकर उड़ाकर चला जाता है और दोनों उड़कर चले जाते हैं। फिर जो हमें गुरुज दिखाए जाते हैं वो कहते हैं कि अब सब तुम पर है नील, और हो सकता है कि ये प्लैनेट नेमिक की आखिरी दिन हो या रात हो, कि ये एंड है। वापस से एक और सीन शूट होता है, ये सीन होता है मास्टर गिन्यू का। वो हंस रहे होते हैं गोकू को देखकर, और गोकू कहता है हे तुम हंस क्यों रहे हो। तभी वो गोकू के ऊपर एक पावर बनाकर फेंकता है और गोकू हल्के से हाथ से उसे हटा देता है। और फिर वो हंसने लगता है और कहता है कि ये तो तुम यकीन मान लो कि मैं डर कर भागने वालों में से नहीं हूँ, और ना ही मैं ये प्लेनेट छोड़कर जाऊँगा, और मुझे ये भी पता है कि मैं तुमसे जीत नहीं सकता। तो फिर मेरे पास एक आइडिया है और मैं तुम्हारे साथ ऐसे ही लड़ता रहूँगा। और तभी वो बहुत सारे हमले करता है गोकू के ऊपर, वो सारे गोकू के आसपास से होते हुए जाते हैं और गोकू हल्का हल्का उनसे बचता रहता है, वो एक के बाद एक करता रहता है। और फिर एक बहुत ही खतरनाक धमाका होता है और जैसे ही धुआं हटता है तो वो देखकर खुश हो जाता है कि गोकू सही सलामत खड़ा हुआ होता है और उसे एक खरोच भी नहीं आती। और गोकू के ऊपर से सारा धुआं हट जाता है और जो जैश होता है वो कहता है ऐसा कैसे हो सकता है। और जो मास्टर गिनी हो वो बहुत मुस्कुरा रहे हैं और वो अपना स्काउट उतारते हैं और जैश को देते हैं और कहते हैं कि ये लो जैश। जैस कहता है कि मास्टर पर ये स्काउट आप मुझे क्यों दे रहे हो। तो गिन्यू बोलता है कि तुम्हें पता है ना वो बहुत ज़्यादा ताकतवर है, तो मुझे इस स्काउटर की ज़रूरत नहीं है। फिर वह वापस से हमें सीन दिखाया जाता है जो नील और फ्रीजा उड़े जा रहे हैं। तो फ्रीजा कहता है हे तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो, और अचानक से गायब होकर नील के सामने आ जाता है, जिसे नील उड़ता उड़ता रुक जाता है और कहता है कि नीचे आ जाऊँ। नील उसे ज़मीन पर ले जाता है और अपने कपड़े उतार देता है और कहता है कि आ जाओ मुझसे फाइट करो। तभी वो अपनी पावर अप करता है और उसके आसपास बुलबुले फूटने लगते हैं और उसका शरीर हल्का हल्का मोटा हो जाता है, बहुत ज़्यादा धूल उड़ने लगती है। और जो फ्रीजा होता है वो अपने स्काउट से उसका पावर लेवल चेक करता है और कहता है कि हाँ ज़्यादा बुरा तो नहीं है पर ठीक है। और उसे कहता है कि तुम ताकतवर हो पर तुम इतने ताकतवर नहीं जो मेरे सामने आ सको, मैं तुमसे 500 गुना ज़्यादा ताकतवर हूँ। और ये सुनकर नील के सिर पर पसीना आ जाता है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि वहीं नील की पावर से एक पेड़ भी गिर जाता है। तभी जो फेरीजा होता है वो कहता है कि तुम मेरे सामने कुछ भी नहीं हो, तो ठीक है अगर तुम लड़ना चाहते हो तो मैं सिर्फ अपने एक हाथ का इस्तेमाल करूँगा, आ जाओ मैं एक हाथ के अलावा कुछ नहीं लगाऊंगा। तभी नील जाता है और गुस्से में उसके ऊपर अटैक कर देता है और एक कराटा उसकी गर्दन पर मारता है और वो अपनी गर्दन फ्रीजा एक साइड कर लेता है कि हे आ जाओ मारो, और कहता है कि अच्छा क्या बस इतना ही दम था, ये तो कुछ भी नहीं था। और फिर फ्रीजा नील का हाथ पकड़ता है और उसमें अपनी उंगलियाँ घुसेड़ देता है और उसका हाथ तोड़ देता है। और उससे नील बहुत ज़्यादा तड़पने लगता है और चिल्लाता हुआ बैठ जाता है और वो बहुत ज़्यादा दर्द में होता है और उसके हाथ से खून निकल रहा होता है। और फ्रीजा कहता है अरे वाह ये देखने में मज़ेदार है। और जो नील है नील खड़ा होता है और हाँपने लगता है और अपने हाथ पे ताकत लगाता है या और उसका हाथ आ जाता है। और जैसे ही उसका हाथ वापस से आता है तो फ्रीजा चौंक जाता है कि ये क्या है, अरे तुम नेमिक तो कमाल के होते हो, तुम अजीब अजीब से जादू वाकई में करते हो। उसे पता नहीं कि जो नेमिक्स होते हैं ये अपना शरीर रिजनरेट कर सकते हैं अगर इनके सिर पे चोट ना लगी हो तो। अगर इनके सिर पर चोट लग जाए तो इनका बचना मुश्किल है, वरना ये अपने शरीर का कोई भी हिस्सा रीजनरेट कर सकते हैं। वापस से हमें सीन दिखाया जाता है बुलमा का। जो बुलमा है वो स्पीड से अपनी बाइक पर जा रही है और खुश हो रही होती है कि और तेज़ नहीं चल सकती। फिर वो तभी पीछे देखती है तो उसके पीछे एक ड्रैगन उड़ा हुआ आ रहा होता है और वो उसकी बाइक को लात मार देता है, जिससे उसकी बाइक ज़मीन पर गिर जाती है। लेकिन बुलमा को बाइक गिरती हुई गिर तो जाती है और बुलमा फिर भी उसे चला रही होती है और उसे सामने गुफा दिखती है। वो कहती है चलो मेरा काम हो गया, मेरे पास एक आइडिया है। तभी वो उस गुफा के पास पहुंचने वाली होती है, उसमें से भी एक ड्रैगन आ जाता है और वो तभी ब्रेक मारती है और उसकी गाड़ी फिसलती हुई चली जाती है और वो एक पहाड़ पर जाकर गिरती है। वो देखते हैं कि ये पहाड़ तो चल रहा है, उसे पता चलता है कि वो किसी पहाड़ पर नहीं बल्कि उस ड्रैगन के ऊपर गिर गई है जो उड़ रहा था। तभी वो ड्रैगन उल्टा हो जाता है और उसे नीचे गिर देता है। तभी बुलमा नीचे गिरने वाली होती है और वो नीचे जो ड्रैगन होता है गुफा में वो अपना मुँह खोल लेता है और वो उसके मुँह में गिरने वाली होती है। जैसे ही वो उसके मुँह में गिरने वाली होती है अचानक से
एक हमला होता है जिससे कि वो डायनासोर नीचे गिर जाता है और बुलमा उसके ऊपर गिरती है, और तभी ऊपर वाला डायनासोर भी नीचे गिर जाता है। तभी बुलमा के सामने कोई आदमी आकर खड़ा होता है, बुलमा उसे देखकर डर जाती है और उसके ऊपर मिट्टी फेंकनी स्टार्ट कर देती है। तभी हमें पता चलता है कि वो किरिलिन और गुहा ने उन्होंने उन ड्रैगन को मारा है और वही बुलमा को बचाने आए हैं। तो बुलमा कहती है कि तुम दोनों कहाँ चले गए थे बेवकूफ़। तो वो कहते हैं कि बुलमा माफ़ करना, हमारे थोड़ा सा अर्जेंट जाना पड़ गया था। जो बुलमा होती है वो बताती है कि तुम्हें क्या पता है मैं कितनी मुसीबत से गुजरी हूँ, तुम्हें नहीं पता। और तभी जो गोहान होता है वो उसकी जेब में से ड्रैगन रेडार निकालता है और कहता है कि चलो ड्रैगन बॉल उधर है, वहाँ चलते हैं। बुलमा कहती है तुम फिर से ऐसे ही जा रहे हो, तुम मुझे पता कर नहीं चाहोगे क्या बेवकूफ़ हो, मुझे बताओ। तो तभी जो गोहान होता है वो कहता है कि हे वो आ गए, मेरे डैड आ गए है प्लैनेट नेमिक पर। तो बुलमा कहती है क्या क्या गोकू इज़ हियर, वो यहाँ आ गया, ये और वो खुश होने लगती है। तभी किरिलिन कहता है कि गुहान चलो हम लेट हो रहे हैं, और वो दोनों फिर से उड़कर चले जाते हैं। वापस से हमें सीन दिखाया जाता है जो बुलमा का, बुलमा जो होती है वो सोचती है कि गोकू तुम आ गए, तुम्हें देखे काफ़ी टाइम हो गया है, जब से हम प्लेनेट नेमिक पर आए थे मैंने तुम्हें नहीं देखा। तभी वो आसमान में बादल देखती है तो उसे गोकू का चेहरा नज़र आने लगता है और कहती है हाँ अब तो तुम काफ़ी बड़े हो गए होगे और बदल भी गए होगे। फिर से हमें गोकू वाला सीन दिखाया जाता है जो मास्टर गिन्यू है वो अपने हाथ में एक पावर बनाता है बहुत ही अजीब सी, और वो खुद को मार लेता है। क्या खुद को मार लेता है, और उसके शरीर से खून निकलने लगता है और फिर भी वो मुस्कुरा रहा होता है और वो कहता है आप समझे। तो गोकू क्या कहता है कि ये तुम क्या कर रहे हो बेवकूफ़। वो तभी वो एक हमला करता है और आवाज़ निकालता है या, और वो अपने पावर अप कर रहा होता है जैसे कि वो कुछ नई टेक्निक इस्तेमाल करने वाला हो, और उसका शरीर कांप रहा होता है। जमीन से पत्ते उठने लगते हैं, बादल बहुत ही स्पीड से चलने लगता है, बहुत ही तेज़ हवा चलने लगती है। इतनी बेमिसाल पावर, इतने खतरनाक हमला, आखिर क्या हमला करने वाला है गिन्यू। तभी गिन्यू अपने हाथ फैलाता है तो उसके शरीर से उसका ओरा या एक परछाई सी दिखती है, उसकी परछाई से ही उसकी जैसी, और गोकू की भी ऐसे ही बाहर आ जाती है और दोनों का शरीर चमकने लगता है। तो और उसके मुंह से गिन्यू की एक लाइट सी निकलती है और गिन्यू उड़ता हुआ चला जाता है और गोकू भी उड़ता हुआ कहीं चला जाता है। तभी बहुत सारी लाइट ही लाइट हो जाती है और फिर हमें पता चलता है जो गिन्यू है गिन्यू पहुँच गया है गोकू के शरीर में, और जो गोकू है वो गिन्यू के शरीर में पहुंच गया और कहता है ये तुमने क्या किया, ये तुमने कैसे किया, ये तो इम्पॉसिबल है, ऐसा तो कोई भी नहीं कर सकता, वो मेरी बॉडी है और मैं तुम्हारी बॉडी में कैसे आ गया। तभी जो जैश होता है वो स्काउट लाता है और गोकू की बॉडी को यानी कि उसे देता है गिन्यू को, और वो कहता है गिन्यू चलो चलते हैं अब, ये तो ऐसे ही मर जाएगा क्योंकि मैंने अपने आप को बहुत ही बड़ा जख्म दिया था। और वो दोनों उड़कर वहाँ से चले जाते हैं। गोकू कहता है तुम कहाँ जा रहे हो, रुको मेरी बॉडी मुझे वापस करो। और गोकू कहता है कि मैं इतना कमज़ोर हो गया हूँ कि मुझे उड़ा भी नहीं जा रहा, और वो नीचे गिरने वाला होता है और हल्का हल्का उड़ता हुआ चला जाता है। कहता है कि मुझे कैसे भी करके अपनी बॉडी वापस लेनी होगी क्योंकि गोकू की असली ताकत उसकी बॉडी में ही है। फिर ये वाला एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो दोस्तों अगला एपिसोड आपको मिलेगा कल शाम 4 बजे या कल सुबह 8 बजे, तब तक के लिए बाय बाय।